मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि RTX 3070 में मंगाया हूँ एक भाई के लिए, वो RTX 3070 आ चुका है, उसको मैं टेस्ट किया, बहुत सही चल रहा है। मतलब समझो वो ग्राफिक कार्ड मेरे को 24,500 में मिला, ठीक है। आपको आमतौर पर ग्राफिक कार्ड मिलेगा 60,000 70,000 में 3070, और मेरे को 24,500 में मिला। 2 साल की वारंटी रिमेनिंग है, और जो बेचने वाला बंदा था उसको मतलब बहुत अर्जेंट पैसा चाहिए था, बिक नहीं रहा था, और ग्राफिक अच्छे कंडीशन में था, और भैया थे बीच के जो दिलाने वाले थे, तो बोले मैं दिला दूंगा, टेंशन मत ले। और कुछ दिनों बाद उसका पीसी बिल्ड करेंगे, आदित्य, आदित्य नाम है उस लड़के का, उसका करेंगे पीसी बिल्ड, बताऊंगा कैसे कैसे बिल्ड करते हैं पीसी, पीसी बिल्ड का भी ब्लॉग बनाएंगे, कैसा कैसा होता है पीसी, अंदर का सारा कंपोनेंट दिखाऊंगा आपको। सब्सक्राइब कर रखना अपने भाई को, ठीक है। बस अब आलू खाऊंगा फिर जाऊंगा जी 20 मिनट बाद। और हाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग क्या करते हैं ना, देखो प्रोटीन जो लेते हो आप लोग वो आप कहाँ से बाय करते हो ये चीज़ बहुत मैटर करता है, पता है आपको। अब ऑन एक ऐसी कंपनी है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, वेल नोन कंपनी है, सबसे मतलब जो इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड कंपनी है ना ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है। अब उसके आप क्या करते हो, उसका जो कंपनी है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन डालो अमेजोन पे, उसके प्रोटीन पाउडर लिस्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे फेक सेलर होते हैं जो कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन पाउडर अमेजोन पे बेचते हैं। तो मैं आज ऐसे रिसर्च कर रहा था कि भाई प्रोटीन पाउडर के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, टॉप 3 प्रोटीन पाउडर के ऊपर, और मैं बहुत रिसर्च किया बहुत रिसर्च किया, मेरे को 3 प्रोटीन पाउडर तो मेरे लिए मिल गए, मैं जो सेलेक्ट कर रहा था जिस चीज़ में मेरे क्राइटेरिया में पास हो गए उन लोग। तो मैं क्या कर रहा था ना, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का क्या है ना, प्रोटीन पर केजी 3,000 3,500 आसपास जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मैं देख रहा था, मैं रिव्यू पढ़ रहा हूँ ना, इतने गंदे गंदे रिव्यूज थे, किसी प्रोटीन में कीड़ा निकल रहा है, किसी प्रोटीन में कुछ और निकल रहा है। तो क्या है ना, एक आपको मैं वही चीज बताना चाहता था कि कहीं से भी प्रोटीन बाय करते हो आप, एक वेरीफाइड जगह से बाय करो, जहां लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के ऑफिशियल साइट में जाओ, फिर उसके बाद वो जहां से बोलता है वहां से बाय करो, ये नहीं कहीं से भी किसी भी सेलर से बाय कर लिए, तो ये गलत चीज है। और आजकल ना कोड वोड में भी लफड़ा हो जाता है, पता है आपको, ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल ही होती है। लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का पैकेजिंग, बॉक्स पैकेजिंग, बहुत सारी चीज तो इसी से बदल जाएगी, फेकेगी रियल है। 2,000 3,000 बहुत ज्यादा होता है यार किसी स्टूडेंट के लिए, वो अपना महीना का सेविंग्स रख रहता है, फिर दे देता है एक प्रोटीन पाउडर में, तो भाई दिल पे दर्द देता है भाई, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो अच्छे जगह से प्रोटीन पाउडर बाय करो, और मैं कुछ प्रोटीन पाउडर बताऊँगा आने वाले वीडियो में, उसमें बताऊँगा कहाँ से प्रोटीन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और मैं 3 प्रोटीन भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर लो बजट है आपका तो ये प्रोटीन आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अवनीश का फ़ोन आ चुका है और हम निकल रहे हैं जिम, चलिए चलते हैं अब जिम, आ गए हम लोग अवनीश को लेने के लिए, और अवनीश आ ही रहा है, जल्दी आ जा भाई, लेट नहीं कराया। चल ले भाई, देख रहा अवनीश को, देख रहा भाई साइकिल जल्दी बैठ जा, जा ले फोन पकड़। हेलो बोल। हाय गाइस, मेरा नाम कौन से नाम पे, पता नहीं है क्या नाम बोला, मेरे 3 4 नाम है, अवनीश है, रिशु अवनीश। हम लोग जा रहे हैं जिम, देखो ब्रो हम लोग ये पानी वानी ले लिए, अपना कॉफी वॉफी ले लिए, अब हम लोग वापस जा रहे हैं जिम की तरफ। इसको गाड़ी गाड़ी एक सेल्फ में चालू होता है, लेकिन इसको चालू करने नहीं आता, पता है, सिखाओ यार तुम लोग, कमेंट अवेंट करो कैसे चलाते हैं, नहीं चलाना तो आता है, चालू करते कैसे हैं वो सिखाओ इसको। मेरे घर से तो बहुत पास है जिम, राम के घर से बहुत दूर है जिम, बहुत दूर, मेरे घर से निकले 5 मिनट की वॉक है, मेरे घर से तुरंत पहुंच जाते एकदम सट से। आज लेंगे तेरे डेस्क पे सोने था क्या? नहीं है यार, कहाँ, कल तो बात करने में ही पूरा दिन निकाल दिए तुम। अबे यार कल आपने कल क्या हुआ गाइस, पता है जिम पे हम लोग गए, जिम पे हमारा एक फ्रेंड आया था, नया नया ज्वाइन किया था, वो पहले करता था लेकिन दूसरे बाहर था वो, फिर ये आया 1 घंटा उससे बतियाया, उसके बाद एक और बंदा है वो इंदौर का है दोस्त है अपना, उससे आर्म रेसलिंग कर रहे थे, और पूरा पूरा जिम वहाँ इकट्ठा हो गया देखने के लिए, तो कोई वर्कआउट नहीं कर पाया हम लोग की वजह से। और फिर उसके बाद हम लोग बेंच का सिमेट्री नापने लग गए, ये बेंच इधर से टेढ़ा है तो इसमें एक साइड वेट ज़्यादा लगता है, फिर विशाल भैया से बात करने लग गया, फिर जिम के ओनर है हम लोग के विशाल भैया, बहुत नॉलेजेबल हैं, सब आओ उनसे जिम विम सीखो, खाएंगे बढ़िया। ये देखो हम लोग का जिम, मुझे रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है, प्रोटीन पाउडर के बारे में बात वही है, अब पास से दिखाते हैं और बढ़िया दिखेगा। ये गुप्ता बस दिख रही है, एक बार मैं इससे आया था और यहीं पे उतरा था, अंबिकापुर से आया था और डायरेक्ट जिम घर भी नहीं गया था। गाइस ये देखो करी कटावर, ये हम लोग का सबसे ऊपर वाला और उसके नीचे वाला फ्लोर जिम है, ये साड़ी का दुकान है, गाड़ी पार्क चाह रहे हैं गाड़ी पार्क करने। मैं कैसा दिख रहा हूँ,
ये जा रहा है गाड़ी पार्क करने, देखो रोड के उस साइड, इधर गाड़ी गिर जाती है उसकी, बहुत छूछ है। ये देखो हमारा जिम, क्या था ना आपको आदिल है एक मेरा दोस्त, यही है वो, यही चल शुरू करें आप जल्दी पैर, आज कोई बातचीत नहीं होगा, आज सिर्फ वर्कआउट होगा, आज हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपसे बात करेंगे और वर्कआउट करेंगे, देखते हैं। अब जल्दी जूता पहनते हैं और ये लड़का भी पहनेगा जूता, आओ चलो जूता पहनते हैं, देखो क्या क्या करते हैं वो, इसका प्लान हमेशा अलग ही रहता है। ये देखो ये भी बहुत बड़ा वाला दोस्त है हमारा, कल इसी की वजह से पूरा पूरा वर्कआउट नहीं हुआ है, पता है इसी की वजह से, तेरे ही कारण नहीं हुआ है, ये आया इससे एक घंटा बात किया, ठीक है भाईचारा ऐसे कर कर दिए मिल मिल के। उसके बाद आदित्य आया, उसके साथ आम रस्सी मछली हो गया। ये है हम लोग का बालकनी है छोटा सा, ये देखो पेड़ पौधे हैं मस्त छोटे छोटे, बालकनी से बाहर का व्यू मैं दिखाता हूँ, ये देखो बाहर का व्यू, ये एक्सट्रीम स्टूडियो कपड़े की दुकान है, इधर पूरा मोस्टली कपड़े का दुकान है, वो एक ज्वेलरी शॉप है, बाकी इधर ग्रीनरी बहुत दिखती है इधर से। क्या ही बढ़िया दिखता है यार, राम अभी तक आ नहीं पाया ना, कब से गया है वो, आ रहा है अभी आएगा यहाँ से कितने देर बाद, पानी भी नहीं लाया ना, लाया तो मैं पानी जो तो ये सब पी रहे हैं, पेप्सी पेप्सी पी, बॉडी बनाओ। ऐसे मुंह के पास ले, मेरे मुंह के पास ला, हाँ मुंह के अंदर नहीं गुजरना। कैसा लग रहा है आपको अभी चेस्ट मार के? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। मतलब खुलेगी नहीं? खुले, बहुत ज्यादा खुल गया, पंप आए कि नहीं आए? बहुत बहुत बड़े पंप आ रहा है। देख क्या है ना वीडियोग्राफी के लिए, देख जब भी कोई बंदा करता है साइड, हां देखो जैसे वो भी गांड मारवा, हां ये देखिएगा लौड़े सही में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो अगर बढ़िया से पकड़ना बहुत ठीक है, ये दिख रहा है अब सही में, अब दिख रहा हूं। चल ले भाई, हां भाई बहुत सही चीज है ये तो, मेरा चेहरा सुधर गया गाइस। इधर मतलब व्लॉगर, सॉरी गाइस कुछ गलत बोल दिया हो तो, ये देखो मछली फड़फड़ाते हुए बाहर आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा है, मार रहा हूँ फिर बात कर रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा।
कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो। चल खींच। तो हाँ, अगर आप लोग करते हो भाई प्रेजर एक्सरसाइज, कोई सा भी एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक सीटेड डिप कर रहे हो, तो जो रेंज ऑफ मोशन है ना उसको आधा मत रखो। जब जितना उसको जितने ऊपर से ला रहे हो फिर उतना वापस नीचे लेके जाओ, और जितना उसका आखिरी तक रेंज ऑफ मोशन इतना ऊपर जा रहा है तो उतना ऊपर लेके जाओ फिर नीचे लेके जाओ, ताकि अच्छे से फील हो। अगर आप लोग करते हो शोल्डर कर रहे हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना शोल्डर में 5-6 एक्सरसाइज लेते हैं, तो क्या है ना शोल्डर में 5-6 एक्सरसाइज लेने का कोई मतलब नहीं बनता। लाइक अगर आप शोल्डर में 3-4 एक्सरसाइज लेते हो तो इनफ है। मैं तो बोलता हूँ 4 एक्सरसाइज लो, मैक्सिमम 4 एक्सरसाइज, वो इनफ हो जाता है। लाइक बहुत बंदे लोग करते हैं 6 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज, तो नहीं, कोई सेंसलेस चीज़ है, टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो 3-4 एक्सरसाइज करना है बस, दैट्स इनफ। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. तो गाइस जो है हम लोग का वर्कआउट ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, हाथ पाथ धोते हैं, फिर बैग पैक तो हो ही गया है लगभग, बस ये भी आ गया, वॉशरूम गया था। अब हम लोग घर निकलने की तैयारी में, आज का वर्कआउट बढ़िया था, एकदम मज़ा आ गया। कल हम लोग करेंगे बैक और बाइसेप्स। ये हाथ धो रहा है इससे मिलवा। आज का वर्कआउट कैसा रहा भाई? बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया, आज बहुत मज़ा आया कसम से। 2 दिन तक सोने से रहेगा यहाँ। उठ हाँ था किए थे छाती या वो शोल्डर, बढ़िया था, बढ़िया था। बस यहाँ से लो लेता हूँ, एक काम करना चावल ले आना। चावल मंगवाया जा रहा है मेरे से, देख रहे हो, सब काम मैं ही करूँ, बस बैठ के खाना है उनको। टावल 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 मिल गया, टावल ले भाई, टावल सो आज के लिए इतना ही। अगर ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। जाते रहो जिम, करते रहो वर्कआउट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.